नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे कुमार गौरव के साथ। अभी मैं जमंगा वाहिनी के सक्रिय सदस्य अभेश शेख जी के साथ हूं। इन्होंने लॉकडाउन के शुरुआत से ही जमंगलागढ़ में बंदरों को खाना खिलाने का काम किया और धीरे धीरे सहयोग के द्वारा भी अन्य लोग भी इनको देख करके वहाँ जाना शुरू कर दिए हैं। अब जिससे कि बंदरों को लगभग अब 4 टाइम भोजन प्राप्त हो रहा है और अब इन्होंने वहाँ तो इनका अनवरत कार्यक्रम चल ही रहा है, अब इन्होंने पूरे मंझौल को सैनिटाइजर करने का काम शुरू किया है। आइए बात करते हैं अभिषेक जी से, बताइए। जमंगलागढ़ में तो लगातार कार्यक्रम चल ही रहा है हमारा, तो हम लोगों ने सोचा कि पूरे मंझौल के एक एक घर को सैनिटाइज कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि अभी पूर्ण रूप से एक एक घर को सैनिटाइज नहीं कर पाए हैं। पंचायत 3 में शायद अच्छे ढंग से हुआ है सैनिटाइज और 4 में, लेकिन 2 और 1 में सैनिटाइज उस ढंग से नहीं हो पाया है। तो लेकिन हम फिर भी पूरे मंझौल को हम सैनिटाइज करने जा रहे हैं। हमारे साथ भैया हैं, राजा भैया हैं, भैया हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं इसमें लगातार। कल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है हमारा और 2 से 3 दिन में हम पूरे मंझौल को सैनिटाइज कर देंगे। 4 मशीन अभी हम लोगों का चल रहा है, हो सकता है कल से और लड़का पड़े तो और मशीन भी हम लोग बनाएं, तो लगातार हम लोग का कार्यक्रम ये चल रहा है। निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं, बेगूसराय टुडे की टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। मंझौल बेगूसराय से शुरू होने वाले हैं, देखिए रेडी है, पूरा रेडी है हमारे मित्रगण। चलिए चलिए हम लोग सेंटर करवा रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है। हाँ हाँ